सबसे पहले मैं ठाणे लोकसभा मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको उनका आभार मानता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र से महायुति के कैंडिडेट नरेश मस्के, इनको भारी जीत हासिल हुई है। हमारे सभी कार्यकर्ता महायुति के पदाधिकारी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कड़ी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा मार्जिन मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री, और ये ऐसे देखा जाए तो ठाणे लोकसभा ये शिवसेना का गढ़ है, आनंद दिघे साहब का गढ़ है और बाला साहब ठाकरे जी का एक प्रभाव वाला ये ठाणे लोकसभा है, तो इसलिए जीत तो पक्की थी और लोगों ने भी आशीर्वाद दिया और इसलिए ये नरेंद्र मस्के हमारे कार्यकर्ता जीत गए हैं। अभी वो जो विश्वास लोगों ने जताया है, विश्वास के पात्र वो रहेंगे, ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र का विकास करेंगे और ठाणे लोकसभा में जो भी काम है वो निश्चित रूप से वो करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी कल्याण से उनको भारी जीत हासिल हुई है, उनको भी बड़ा मार्जिन मिल रहा है, उनको भी मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वहां के कल्याण लोकसभा के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, महायुति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बात कहूंगा कि कल्याण लोकसभा में उन्होंने 10 साल में जो किया हुआ काम है, एक उन्होंने अपनी पहचान बनाई विकास के रूप में और उसको जनता ने विकास को वोट दिए हैं, डेवलपमेंट को वोट दिए हैं और इसलिए उनकी भी जीत बड़ी भारी हुई है। इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो भी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हम गठबंधन के उनके गठबंधन के शिवसेना जो है उनके साथ है और जल्दी सरकार बनाने में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उनका साथ देंगे। कुछ लोग मोदी जी को हराओ, मोदी जी को हटाओ, ऐसा एक उद्देश्य लेके लड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी देश के विकास के बारे में बात कर, विकास का एजेंडा लेकर ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये मोदी द्वेष जो है उनके बारे में जो है, मोदी को हराना है, इनको तड़ीपार करना है, ऐसे जो सोचते थे, ऐसा जो जिनका सपना था, इस देश की जनता ने विकास को वोट किया है, डेवलपमेंट को वोट किया है और जिन्होंने कहा था मोदी जी को तड़ीपार करो, उनको सत्ता से दूर रखकर इस देश की जनता ने तड़ीपार कर दिया है। सर, आपके कुछ कैंडिडेट हो, राहुल शेवाड़े हो, यामिनी जाधव हो, उनको ये कुछ लोग हमारे बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई है निश्चित रूप से, लेकिन जो विपक्ष है, जो मोदी जी के बारे में, गठबंधन के बारे में जो लोगों में संभ्रम फैलाते थे, अपप्रचार करते थे, गलत प्रचार करते थे, संविधान बदला जाएगा, और निश्चित रूप से उसमें वो कामयाब हुए हैं निश्चित रूप से, और जनता ने जो कॉल दिया है हम उसको स्वीकार करते हुए ये जो संभ्रम था उसको भी हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। वोट बैंक की राजनीति जिन्होंने की है उनका भी असली चेहरा लोगों के सामने आएगा और वोट बैंक की राजनीति करने वाले, खुद को बाला साहेब ठाकरे जी के वारिस कहने वाले, आज ये देखते हुए उनको भी दुख हो जाता था, बाला साहेब ठाकरे जी को, ऐसी राजनीति पहली बार देखी गई है, लेकिन इस देश की जनता ने मोदी जी का साथ दिया है, इसलिए मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। भाई भाई फोटोग्राफर, भाई भाई फोटोग्राफर है, फोटो नहीं मेरा भाई फोटो।